أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين.

आम मतन्नास के लिए भी मुफीद हैं उनके इलम में भी इजाफा का बाइस है, इन सब के साथ साथ हम तलबा के लिए सबसे पहले ये मुफीद बात है इसलिए कि हर शख़्स मम्बर पर नहीं खड़ा होता है अल्लाह तआला इंतखाब करते हैं और चुनकर मौका देते हैं कि कौन मम्बर पर खड़ा होगा ऐसे में मम्बर पर खड़ा होना उसके अवसाफ़ हैं ज़ाहरी बातिनी हर दो अतबार से यूँ ये मौजू बहुत अहम है क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक हिस्सा है एक पहलू है आप आ सलत बहसत खतीब भी एक अज़ीम नमूना है एक खतीब अल्लाह के रसूल आल सलतम को नमूना बनाए और आप आलोलम का खुतबा देने का जो अंदाज़ है आपकी जो कैफियत है आपका जो मामला रहा है ख़ुदबात से मुतल उसको अपनाएँ उसको पढ़ें मैं इस मौजू से मुतल जो बराह रास्त यानी जिसे हम सुलबुल मौजू कहते हैं इस मौजू से मुतल जो असल बातें हैं वो रखने से पहले दो बुनियादी बातें आपके सामने रखूँगा या यूँ समझ लीजिए कि दो मु मैं आपके सामने रखूँगा पहली बात यही कि आप आल सरतल की ज़िंदगी के जो मुतद पहलू हैं उनमें से एक पहलू ये भी है कि आप एक खतीब हैं तो मैं आप सरतम के सभी खुतबात से मुतक गुफ्तु नहीं कर रहा हूँ अल्लाह के रसूल सरतलम ने मुतद खुतबे दिए हैं मुझे सिर्फ़ रसूल सल्लम की जो खुतबात जुमा हैं उसी से मुतक गुतगु करना है इस मौ से मुतल एक दिलचस्प और हैरान कन बात यही कि इमाम अबू बकर अलबी रम्ला चार सौ अट्ठावन हिजर सन् वफात है आपका आपकी मतदद तालीफात हैं उसमें से एक किताब है अलजाम अली शुबली ईमान शुआबुल ईमान इस नाम से मरूफ़ है तकरीबन लोग इससे वाकिफ हैं इस किताब का जो आखिरी हिस्सा है जिसमें जोहद से मुत और दुनिया से कम ताल्लुक होना चाहिए इससे मतलब मतदद बातें आपने नक़ल की हैं बब जुहदी अमल। यानी दुनिया से मुतिक आरजू और तमन्नाएँ कम रखना चाहिए और जोद व तकवा होना चाहिए मुझे बताना मकसूद ये है कि उस बाप के तहत आपने मुतद रिवायात लाए हैं इमाम बकी रहा उसमें एक हैरान कन बात यही है कि हसन इब्नु अबिल हसन अल्बरी रहा एक सौ दस रज़न वफात है आपका मारूफ तब हैं उन का कौल उसमें नक़ल किया गया है हसन बिन अबिल हसन अल बसरी रहमतुल्लाह कहते हैं तलब तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला वसलमजुमा मैं अलैहि वसल्लम सल के जुमा के खुदबात तलब कर रहा था मतलब तलाश कर रहा था इकट्ठा करने के लिए फ नहीं, मुझे थका दी इस चीज़ ने मदीने की ज़िंदगी के मुतद खुदबात जुमा कितने खुदबात हैं मदीने की ज़िंदगी की दस साल जिंदगी इतने खुदबात जुमा यानी मुझे हैरानी ये हुई और ख़ुशी ये हुई कि मैं जिस मौजू के लिए ये बातें तलाश कर रहा था कि अल्लाह के रसूल की कितने खुतबे होंगे कितने खुदबे आपनेशात फरमाए हैं मुझे ये बात मिली कि हसन बिन अबी हसन अलबसरम ने कहा कि तलब तो खुद अबन नबी वसलम जुमा और आम खुतबे की बात नहीं की आपने जुमा के खुतबे की बात की कि जुमा के खुतबे की मैंने तलाश की ये कितने खुतबे दिए अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपने जो अल्लाह के रसूल के ज़माने के करीब हैं कहा कि फ आयतनी मुझे थका दी इस चीज़ ने मुझे थका दी इस चीज़ ने फलजिम तो रजुलन असहाा बिन नबी अलैहि वसल्लम फ़सल तो अनदालिक फिर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबी से मुलाकात किया उनसे चिमट के था मैं उन्हीं के सहबत में था उन्हीं के साथ उठा बैठा उन्हीं के साथ रहा और मैं उनसे पूछा कि जो है अल्लाह के रसूल की खुदबात क्या क्या है, जुमा के खुदबात फिर उन्होंने एक खुतबा सुनाया अल्लाह के रसूल का बहरहाल वो हमारे मौजूद में दाखिल नहीं है ये बात मुझे बताना मकसूद था अहल इलम रसूलम की ज़िंदगी के हर गोशे पर मेहनत की काम किया उसे इकट्ठा किया बुनियादी बात यह है कि अल्लाह ने दीन की हिफाजत फरमाई अल्लाह के रसूल आलम को अल्लाह ने नमूना बनाया तो आपकी ज़िंदगी को महफूज रखा अल्लाह ने तो आपके के खुदबात भी अल्लाह ने महफूज रखे अहादीस की जो बेशुमार किताबें हैं उसमें आप देखेंगे कि जो कुछ किताबें वो हैं जो फिक़ी तरतीब से हैं सही बुखारी सही मुस्लिम सुल तिरमी वगैरह और कुतुब दीगर अहदस की किताबें मत् वग़ैरह जिसमें फ़िक फ़ीरी एतबार से अवाब क़ायम किए गए हैं हदीस दर्ज करके उसमें बाप कायम किया जाता है तो जु जुमा से मुतल अहकाम मसाइल जो हैं उसमें अल्लाह के रसूल के कुछ खुतबात मिल जाते हैं मुसरत अहमद में बिखरे पड़े हैं अल्लाह के रसूल के खुदबा आल सलासम अलमोजल कबीर अलमोज अलमोजुसग़ीर दीगर अहादि की किताबें दवा नस्ना की कोई हद नहीं है बड़ी मकदार में है तो अल्लाह के रसूल के खुतबात बिखरे पड़े हैं अहल एम ने इसको इकट्ठा किया इसको एक आज़ीम हाफिज़ हाफिज़ीम रहा की जो जादुलमाद फिहदी ख़रील अबाद है उसमें जुमा से मुतल जो अमूर हैं आपने बहुत ही मुफसल बयान किया जुमा के अहकाम मसाइल वो मुझे बयान करना नहीं है मुझे सिर्फ़ अल्लाह के रसूल आलम का अपने घर से निकल करके मंबर पर खड़े होना खुतबा इरशाद फरमाना उतनी ही बातें मुझे आज बतानी हैं आपको उससे ज़्यादा कोई बात नहीं जुह के मसाइल नहीं बताने हैं इबनम रहा ने जुमा के आकाव मसाइल बताने के साथ एक फ़सल आपने कायम की फ़सल फ़ी हदी ही सल्हस फिलखबा खुतबा खुतबा इरशाद फरमाने से मुतल अल्लाह के रसूल का नमूना आपकी आपकी ज़िंदगी आपका आपका जो रहन सहन जो मामला रहा है उस खुतबे से मुतल उसको भी आपने बयान किया बहुत सारी बातें आपने लिखी इब्न ने रम्ला कुछ असाब इल ने इस पर मुफसल किताबें लिखी अल्लाह के रसूल के खुतबात को जमा किया एक कदीम आलिम दीन है अली इब्न मोहम्मद अल्मीनी दो सौ चौबीस हजर सन वफात है उनका अली बिन अली अलीमदीनी नहीं इब्न मदीनी नहीं अली इब्न मोहम्मद अल्मीनी दो सौ चौबीस हजर सन वफात है उनका उन्होंने किताब लिखी खुद अबनबी सल्लाम एक और किताब है अबू शेख अलसबहानी की तीन सौ साठपन्नो हजर है उनका उनकी भी किताब है ख़ुतबी सल्ला व्ल् अबू नायमलहानी आरूफ कथीरतलीफात चार सौ तीस हिजरी सन्फ़ात है उनका उन्होंने भी किताब लिखी खुत अब नबी सल वसम एक और साहेब हैं अब्बास, जाफर इब मोहम्मद अलमस्तफ़री चार सौ तैंतीस हिजरी सन्फ़ात है उनका हाजी खलीफा रहम् ने कैफ जुनून में इनका जिक्र किया है इस किताब से मुतलक वफ़ियातयान में इब्न खली खान रहमाल्ल ने एक साहिब का तर्जमा लिखा अशेखर या खसर नाम है उनका खा सौदरा अबन आकील अलबिली पाँच सौ साठ पर सात हिजरी सन अफात है उनका उनका तर्जम हयात लिखा आधे सफ़े में उनकी कुछ तालीफात का भी जिक्र किया उसमें एक बात उन्होंने ये लिखा कि इन्होंने अल्लाह के रसूल के खुदबात को भी जमा किया है सत्ताईस खुदबात को बीस पर सात खुतबे को बीस पर सात खुतबों को जमा किया आपने इसमें इस बात की वजाहत नहीं है कि वो सारे खुतबात हैं या बस जुमा के खुतबात हैं सिर्फ जुमा के भी खुतबात ले लेंगे तो सत्ताईस कोई आदत नहीं है छोटी सी आदत है दस साल में सत्ताईस खुतबे क्या माने रखते हैं सिर्फ सत्ताईस खुतबात का जिक्र किया और कहा कि कुल्लूहा मुसनदा ये बात उन्होंने आखिर में लिखी एक दिलचस्प भी की बात मैं आपको बताता हूं कि इस दौर में जो बड़ी बड़ी जो जामियात हैं सऊदी अरब में उर्दू में मिस्र में और दीगर मुस्लिम ममालिक में उसमें इस पर भी बहुत काम हुआ है जितनी किताबें मैंने आपको अभी आपके सामने जिक्र की हैं सिवाय सिवायतम्मात के या ईमान के मैंने किसी किताब को देखा नहीं सब नेट पे जो है मतलब सिर्फ इनका इनका तस्करा मौजूद है बस और कुछ साहिब कशफ कशफ जुनून के मुसनिफ़ हाजी खलीफा ने कुछ जिक्र किया है वरना कोई किताबें मेरे सामने नहीं हैं कि इन किताबों को मैंने खोल के देखा हूँ ऐसा नहीं है हमारे पास तो ये किताबें मदबू हैं या नहीं है इसका भी मुझे इल्म नहीं है लेकिन ये किताबें किस बात पर दलालत करती हैं कि अल्लाह के रसूल के खुतबात को जमा किया गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक किताब है खुताबुल नबी सल्ह् वन वास और जन यूनिवर्सिटी से एक साहिब हैं जिनका नाम है अब्दुलमालिकब्नसलालम सिबानी चौदह सौ बीस ईदवी सदन सन वफात कह रहा हूँ चौदह सौ बीस ईदवी को जो किताब जो है मतलब इस पर इस पर दरासा हुआ है इस मौजू से मुतल लेकिन इससे भी अच्छा काम वो हुआ ये माजी का रिसाला है एक और भी माजद का रिसाला है उसमें तो इससे भी अच्छा काम हुआ है खुत अबरसूल सल्लासम दरासतन तोसीक़िया तहलीलिया करीब में गालिबन चौदह सौ बत्तीस ईसवी के आसपास बगदाद यूनिवर्सिटी से बहदाद ही के हैं वो बगदाद में कोई कोई जामिया है वहाँ से उन्होंने इस, इसको इस काम को पूरा किया है इनका नाम है मुसाब अन्ूरी इन से मुतिक ज़्यादा मालूम मुझे नहीं है ना किताब से मुतल ज़्यादा मालूम है ना किताब तबाह हुई है नहीं हुई है मतलब कभी मैंने देखा नहीं इसका मुझे इल्म भी नहीं है लेकिन ये सब मैंने चेक किया तो नेट से जो कुछ बातें इसे मिली मुझे लेकिन कोई किताब मेरे हाथ में नहीं है नेट्स भी जो की किताब जो है मतलब ऐसी नहीं है कि जैसे हम डाउनलोड करके पढ़ सकें कोई ऐसा मामला नहीं है एक किताब जो कदीम उलमा में से है वो है मोआजतुलहबीब व ख़तीब मुल्ला अली ख़ारी के रमा ये तो एक आलिम दीन है एक हज़ार चौदह हजरी वफ़ात है इनका इस तरह की कुछ किताबें हैं साथ में एक बात का इजाफ़ा आप ये भी कर लें कि एक करीब के आलिम दीन है हैं दमिश्क़ी हैं इंतकाल हो गया उनको उन्नीस सौ दस में उन्होंने एक किताब लिखी मजमिफान रसूल सल्हम अल्लाह के रसूल पर अब तक क्या कुछ लिखा गया उसको उन्होंने जमा किया सिर्फ़ अरबी किताबों को वो भी इंसान ही कितने जमा करेंगे वो अल्लाह के रसो पर लिखा गया किसको मालूम कितना लिखा गया अल्लाह और ये सिर्फ अरबी दुनिया की बात है उसमें इन्होंने अल्लाह के रसूल के खुदबा पर लिखी जाने वाली किताबों की आदत नौ बताए हैं ये किताब आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं नेट से ये बड़ी उमदा किताब बड़ी अच्छी किताब है इनका नाम है शेख सलाद्दीन अमुनजीद शेख साले अलमनजिदीद नहीं शेख सलाहुद्दीन अलमन जी दूसरे हैं इनका इंतकल हो चुका है और हमारे हिंदुस्तानी उलमा में भी कुछ उलमा ने काम किया मौलाना अशरफ अली थानवी ने एक हनफी आलिम है इनका जो किताबचा किताब है मैंने देखा नहीं है अलबतः इन्होंने जो 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 हाजा जिसे हम कहते हैं अहमद लाद तनवा मुतनवे अंदाज़ में इन्होंने ख़ुद इसकी इसको इसको जो है लिखा इन्होंने वो बहुत पहले मेरे घर में था मुझे नज़र नहीं आ रहा है वो अलबत् मौलाना मोहम्मद जुना गढ़ी रहम्ला उन्नीस सौ पर दो महीने में इंतकाल हुआ नाइनटीन में बहुत कम उम्र में इंतकाल हुआ पचास साल भी, के आसपास उम्र थी आपकी लेकिन इन्होंने जो किताबें लिखी हैं उनमें से ये कि जो किताब खुदबात मोहम्मदी मोहम्मदी इसमें आपने आप अली अली सरतम के बहुत सारे जुमा के खुतबे नकल किए हैं बड़ी मेहनत से आपने ये सारी चीज़ें इकजा की हैं और बड़ी बेहतरीन उमदगी के साथ आपने पेश किया इसको आप अम के ईदैन की भी खुदबात आपने पेश किया दीगर खुदबात भी लेकिन जुमा के खुदबा भी वाफिन मकदार में आपने इकट्ठा किया और बहुत ही हमदगी के साथ मूल मोहम्मद जुना गड़ी रहा ये एक बात बतानी मुझे मसूद थी मेरे मौजू से पहले एक दूसरी बात वही है कि अल्लाह के रसूल अलीसलम मक्की में तेरह साल थे तो क्या वहाँ पर भी आप खुतबा इरशाद फरमाते थे जुमा का खुतबा तो अहले इल्म कहते हैं कि जुमा के जो खुतबात हैं उसका ताल्लुक मदीने की ज़िंदगी से है जब अल्लाह के रसूल मक्के से मदीने को आए आल यम तो आपने ख़ुदबा इरशाद फरमाया मक्के में खुतबा आप देते थे या खुतबा फ़र्ज था लेकिन आपकी ताकत से वो चीज़ बाहर थी मुसलमानों को इकट्ठा करना आम पंज वक्त फ़र्ज नमाज ही जमात के साथ पढ़ना आसान नहीं है चाहे जाए कि जुमा के खतबे के लिए आप कोई बंदोबस्त कर सके कोई मतलब इंतज़ाम कर सके आसान मामला नहीं था लेकिन सही बात यह है कि जुमा से मुतल ऐसी कोई बात नहीं है जिसका ताल्लुक मक्के से हो हाफिज़ इब्न हजर रहमल ने तलखीस हबीर में मैं शामिला की मदद से पढ़ रहा थालखीस हबीर उसमें आपने इमाम दारो रहा के हवाले से लिखा कि उसमें बिन अब्बास अनुहुमा के हवाले से एक रिवायत उन्होंने जिक्र की जिसमें ये बात है कि आप अलीसद्लाम पर जुमा की नमाज़ उसका खुतबा मक्के ही में फ़र्ज था लेकिन काना लाया वो आपकी ताकत से बाहर थी चीज़ वो अलबा जब आपने मुसाबिन आमिर को भेजा मदीने को तो आपने जुमा की खुतबे के अहतमाम की आ, 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 मतलब उस, उसकी उसकी हिदायत भी दे करके भेजी आपने लेकिन ये जो रिवायत आपने जो हबीर में जो इबन हजर ने लिखा रहा के वह सनंद दारतनी में है तो हमारे हाफिज़ साहब ने सनंद दारोकतनी ला कर के दिए मुझे मैंने पढ़ा उसको किताबल जुमु सोनंदारतनी में उसमें मुझे कहीं नहीं मिली वो रिवायत लेकिन इब्न हजर की हैबत ने मुझे दोबारा पढ़ने की दावत दी रहा दोबारा पढ़ा मैंने लेकिन ये कहने की हिम्मत नहीं हो सकी कि इसमें नहीं है लम अजिज ये बोलने की भी हिम्मत नहीं हो सकी इब्न हजर ने कहा है होना चाहिए मैंने तकरीबन पाँच मरतबा पढ़ा, पढ़ा इसको उसके बाद मेरे पास जो नुस्खा तलखीस हबीर का जो मदबू नुस्खा है उसमें खोल करके कर देखा तो उसके महकिक ने लिखा है कि लम अजीत फिर सुन अलमतबू आ ये जो सुनान दारोनी जो मतबू मतबू जो नुस्खा है उसमें ये नहीं है मुझे भी नहीं मिली ऐसे उन्होंने लिखा है तब जाकर के मुझे शरे सदर हुआ यानी इब्न हजर की हैबत ने जो है मुझे बार बार पढ़ने की दावत देती रही बहरहाल ये रिवायत उसमें नहीं है तो अल्लाह के रसूल जब मदीने को आए आलीसम तो आपके खुतबात जुम्हे का ताल्लुक वहीं से है ये दो बातें मुझे आपको बतानी थी अब असल बात मैं आपको बताता हूँ अल्लाह के रसूल अलीसद्लाम का जुमा का खुतबा कैसे होता था ज़ाहिर बातें दस साल पर मुश्तमिल है दस साल में एक ही वक्त में आप आते थे एक ही वक्त में आप उतरते थे एक ही तर्ज की बातें होती थी एक ही रख रक रखाव जैसे आजकल एक ढांचा बना हुआ है ऐसा नहीं था अल्लाह के रसूल सईदलमसली है इमाम्बिया हैं आप आप आपने वो पैगाम दिया जो पूरी दुनिया के लिए पूरे ज़मान के लिए पूरी ज़मीन के, के लिए तो आप जो बहसत खतीब हैं दुनिया भर की खतीबों को रख करके ना तोला जाए ना मुजना किया जाए उस उससे कहीं ऊपर उठ करके समझने की ज़रूरत है जब बात बताई जाती है अल्लाह के ख़तीब खतीबी जुमा सल्लम आप आलतम के खुतबात से मुतल मैं चंद बातें आपके सामने रखता हूँ पहली बात पहली बात यह है कि आप सलाम जब जुमा के ख़ुतबा के लिए अपने घर से निकलते तो आप आपदा से अमदा लिबास पहन करके निकलते अल्लाह के रसूल के पास कपड़े थे ही कितने कितने कमीज थे कितने चादरी थी आपके पास कितने जोड़े थे आपके पास और आप एक सीधे साधे इंसान से भी नीचे की जिंदगी गुजारते थे आप दुनियादारी जैसे मुतल हम जैसे लोग कहते हैं कि हमारे अंदर दुनियादारी नहीं है तो फिर सैदालमतिन से मुतल क्या बात होगी सल्ला व्लम आप के पास जो कपड़ा था जो मैसर था उनमें से जुमा के लिए बेहतर अंदाज़ में पे, पहन पे, करके आते थे और यह मशरू है मुस्तहब है उमदा लिबास पहनना चाहिए जुमा के दिन खसूसियत के साथ आप गौर कीजिए एक हदीस मुबारक है सही बुखारी में बिन उमर बिन ख़त्ताब रजी अल्लाह कहते हैं कि बाजार में कुछ कपड़े बिक रहे थे कपड़े फ़र्ख किए जा रहे थे उसमें से एक रेशमी लिबास भी था बहुत ही उम्दा निहात आला मेयार का उमर बिन ख़त्ताब रजी अल्लाह अल्लाह के रसूल से कहा वसल्लम कि लबिश्तरा ताजी ही हाजी यानी हाजी लह्ला चादर जो रिदा है और जो अलीज़ार है दोनों एक ही लिबास के हों एक ही कपड़े के हों उसको अल्लह कहते हैं रेशमी लिबास था वो कहा कि वह उमर बिन अमर रज़ी अल्लाह रजील ने कहा ऐसे ही बुखारी कह दी थे किताबल जुमुआ की क्या के रसूल आप इसको खरीद लें इस अम्दा लिबास को ताकि आप जुमा के दिन और उस वक्त जब कोई वफद कोई किसी कबीले की एक जमात आपके पास आती है नुमाइंदा बन करके, के उनका सामना करने के लिए उनका इस्तबाल करने के लिए उनसे मुलाकात के लिए आप उस लिबास को पहने इस उमदा लिबास को यानी देखिए अल्लाह के रसूल ने तो नफी नहीं की ना कि क्या ज़रूरत है जुमा के लिए ख़ास लिबास की लेकिन आपने उससे मुतलिक नफी नहीं की आपने कहा कि ये जो रेशमी लिबास है ये हमारे लिए मुनासिब नहीं ये उसके लिए है जिसका जन्नत में कोई नसीब नहीं है लेकिन अल्लाह के रसूल अली अली सरतम के सामने उमर बिन खत्ताब ने कहा कि इसको खरीद ले ताकि आप पहने कब जुमा के दिन फलबिस्ता है योम से हो गया आपको इस इस हदीस मुबारक को लाकर के इमाम बुखारी ने बाप कायम किया किताबुल जुमा में कि बाबू युसन माया कि एक मुसलमान जुमा के दिन बेहतर से बेहतर लिबास पहने जो उसके पास मौजूद है उमदा लिबास पहन करके आए उनमें से जो उसके पास मौजूद हैं एक हदीस मुबारक है इमाम अबुल कासिम सुलेमान अब अहमद नब्न अहमदरानी रहम् तीन सौ साठ जैसन वफ़ात है उनका मुतहद किताबें हैं आपने अल्लाह ने अल्लाह ने आपसे बहुत काम लिया उसमें उनकी किताबें अलौजम औसत उसमें आपने बिन अब्बास रज़ी रजीलमुमा की तारीख से एक हदीस लाए हैं जिसमें ये बात है कि कान किसम बसदतन हमरा आप सरत में ईद के दिन सुर्ख रंग का लाल रंग की चादर ओढ़ करके आते थे और जिसमें आप बहुत ही हसीन और जमील नज़र आते थे इस हदीस मुबारक से मुतल शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी ने रहा तमामा में भी और सिलसलतुलहदी से सही हर दो किताब ने असहीहा में तो आपने मुफसल काम किया है और आपने इसको सही कहा यानी ईद से मुतल जिक्र है मैं कहना यह चाहता हूँ कि ईद से मुतल जुमा भी एक ईद है और उसमें बेहतर से बेहतर लिबास पहनना चाहिए अल्लाह के रसूल भी ऐसे ही आया करते थे सल्हल आप बेहतर लिबास पहन करके आते थे और आप जुमा को जब आते थे मस्जिद को एक लतीफ़ बात हाफिज़ इब्न अल-क़य्यिम ने ज़ादुल माद में लिखी रहमतुल्लाह कि कहा कि अल्लाह के अल्ला रसूल से मुतालिक आपने कहा कि कान युम्हिलु कान युम्हिलु यौम अल जुमअति हत्ता यज्तमिअ अन नास फ़इज़ा इज्तमअ अन नास खरज इलैहिम वहदा कहा कि अल्लाह के अल्ला रसूल जुमा के मौके पर कुछ मोहल्लत देते कुछ कुछ ढील देते कुछ मौका देते क्या मतलब है इस इन अल्फाज का मतलब यह कि आप आल्ला हालात देखते कि लोग जमा हो गए हैं यानी आप खैर पहुंचाने के लिए दो लोगों के लिए नहीं आप देखते कि लोग दूर से भी आ रहे हैं अल्म कहते हैं कि अल्लाह के रसूल आजम की मौजूदगी में मस्जिद नबवी में मस्जिद नबवी के होते हुए लोग सभी जुमा के लिए वहीं आया करते थे तो अल्लाह के रसूल थोड़ा इंतजार कर लेते ताकि लोग जमा हो जाएं जब लोग जमा हो जाते तो आप आलही सदस्य अपने घर से निकलते ख़ाहि वाहदा आप घर से निकलते और अकेले आते अकेले आते हैं आपके साथ कोई खादिम आपके आगे पीछे कहा कि मिन गैरी शाहिन यहबे नसी उबे नई सासी हो चीखना यहाँ चीखने के माने में नहीं यहाँ ये है कि ऐसा नहीं कि कोई मतलब आपके सामने कोई नौकर चाकर कोई ग़ुलाम कोई हाजिब ऐसे के भाई अभी थोड़ा जगह दे दो अल्लाह के रसूल आ रहे हैं अब सब जो है जो बगौर सुने अब आपके सामने अल्लाह के रसूल आ रहे हैं ऐसा कोई मामला नहीं अबीम ने लिखा है में अल्लाह कहा कि वाला इब्न वालाबीम ने कहा रह आप आलैसलम भले ही जुमा के लिए बेहतर लिबास पहन करके आते लेकिन अलग से कोई सदरी अलग से ऊपर कोई चादर अलग से रुमाल जैसे हमारे पास डाल के आते हैं ये डालना है भाई गलत है नहीं बिल्कुल नहीं रसूल्ला का मामला अलीसद्लाम और हमारे लिए आप बेहतरीन नमूना है लेकिन लेकिन कोई अपने पास एक आमदा लिबास के तौर तो पर सदरी भी पहन कर आते हैं रुमाल भी ओढ़ कर आते हैं कोई मजीद एक जायद लिबास पहन करके आते हैं लाबास अगर उनके पास वही सबसे आमदा लिबास है वही शक्ल है तजय की लेकिन अलैहि वसल्लम इन सब चीज़ों से मतलब इज्तनाब करते अब बेहतर लिबास ज़रूर पहनते लेकिन जायद नहीं दो दो लिबास नहीं ऊपर अलग से सदरी ऊपर अलग से चादर कोई रुमाल कोई ऐसा कोई मामला नहीं हुआ करता था अल्लाह के रसूल का अलैहि सल्लतु व सलाम ये सारी बातें इब्न क़य्यिम ने लिखी हैं और अल नाफिया में शेख अलबानी ने भी इसको अपने अल्फाज में जिक्र किया है रहा महमूल अजमाइन आप आपदा जब जुमा के लिए आते हैं, तो एक बात अहम ये भी है कि आप वक्त पर आया करते थे जुमा के खुतबे से आधा घंटा पहले अगर आप बैठते नहीं थे जो जुमा का खुतबा देने के लिए जो ख़तीब आता है उस पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो उन फ़ाइल को हासिल करने के लिए ऊंट का सवाब गाय का सवाब और जो है मतलब इन, इन इन इस अजर को हासिल करने के लिए वो आधा घंटा पहले आके बैठे वो वो दीगर लोगों के लिए वो दीगर मुसलमानों के लिए खतीब के लिए नहीं अल्लाह जज़ाय खैर शेख सऊद इब्न इब्राहिम शुराइम को रम्ह इमाम हरम हरम मक्की के इमाम और एक 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 सुलझे हुए फ़कीह शेख शुराइम रहा हफिजाल्ला ने इस इस मौजू से मुतल उनकी जो किताब है शाह मिल्फ़ी फ़िकल ख़तबलबा उसमें आपने इस मौजू से मुतल मुफसल लिखा मेरे ईम के मुताबिक इस कदर तफसील के साथ किसी ने मालूम एगजा किए हों ये मेरी मालूम में नहीं है आपने बहुत मुबस लिखा इस बात को अ तो खतीब आएंगे कब कहा कि रसूल की सुनत ये है कि खुतबे से मुतक खुतबे का जब वक्त हो तब आए वह अंदर अल्लाह के रसूल अलीसलाम आलीजा, वक्त पर आते और सीधे मंबर पर चढ़ जाते आप अलीसलम जब खुतबा देने के लिए आते तो आप वक्त पर आते और अल्लाह के रसूल अलैहि जैसे ही अंदर आते मिंबर पर चढ़ते लोगों की तरफ आप मुतवज्जा होते इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने किताब जुमा में बाप क़ायम किया कि बाबू अल कौम के इमाम लोगों की तरफ मुतवज्जा होगा अल इमामा इदा ख़तब और जब खतीब खुतबा देती हों तो लोग उन लोगों को उनकी तरफ मुतव होना चाहिए और खतीब को उनकी तरफ मुँह करके खड़ा होना चाहिए और अल्लाह के रसूल अलैहि जैसे जैसी मिंबर पर चढ़ते तो आप को कहा करते थे फिर उसके बाद आप बैठते मुअज़्ज़िन अजान देते मुहावे बी नबी सूफियान अन्हु कहते हैं कि जब अजान हो रही थी तो आप जवाब दे रहे थे हदीस सही मारूफ और कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल अलीसद्लाम को बहसत खतीब मेम्बर पर बैठते हुए देखा जब खतीब जब मुजुन अजान दे रहे थे और आप अजान का जवाब दे रहे थे अजान से जब मुआजन फारिग होते तो अल्लाह के रसूल अलीसलाम उसके बाद खड़े होते और आप खुदबा इरशाद फरमाते मेरे मौजू से मुतल आज की एक दूसरी बात ये ये तो एक बात थी जो अब तक मैंने आपके सामने रखी दूसरी बात यह है कि आप अली अलीसम खुतबा जो इर्शाद फरमाते आप खुदबा खड़े होकर ही देते थे दो चीज़ों में फ़र्क कीजिए एक आपका खुतबा एक आपका जुमा का खुतबा यानी एक आम खुतबा एक जुमा का खुतबा लेकिन बहसत खतीब जब भी आपने खुतबा दिया अगलब 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 ये लफ्ज़ हाफिज़ हाफिजुकम का है जादुलमाद से रहल्ला अगलब यही है यानी गालिब मामला यही है गालिब हिस्सा यही है कि आपने खड़े होकर यह खुतबा दी इसका ताल्लुक जुमा से नहीं है मैं आम खुतबों की बात कर रहा हूँ अगलब यही कि आपने खड़े होकर ही खुतबा दिए हैं ज़मीन पर खड़े होकर के खुतबा दिए हैं आप ऊंटनी पर खड़े होकर के खुतबा दिए हैं आप मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा दिए हैं आप अल्लाह के रसूल आलोलाम के लिए जो मिंबर बनाया गया वो तो तकरीबन आठ या नौ हिजरी में खैबर के बाद जब मुसलमानों की तादाद बढ़ गई थी लेकिन आप असलाम मस्जिद में खड़े होकर के खुतबा देते थे नीचे ज़मीन पर और खजूर का एक तना था उस पर टेक लगा करके आप खुतबा देते थे जब आपके लिए मिंबर बनाया गया तीन सीढ़ियों का उस पर खड़े होकर के सबसे ऊपर आप खुतबा देते थे आप सलाम खुतबा देते और आपके हाथ में आशा होती थी ये एक निजाई मसला है अहिल इल्म के माबेन ख़ास कर शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहा ने इस मामले में बहुत यानी एक सख्त मौख इख्तियार किया आपने कि मिंबर पर खड़े होने के साथ अल्लाह के रसूल ने कभी हाथ में आसा लिए हों कहा कि ये साबित नहीं है आपके हाथ में आसा है तो आप मम्बर के बग़ैर मम्बर पर भी खड़े हों आसा भी आपके हाथ में हो ये कहीं साबित नहीं है लेकिन बहरहाल व्ल आम यह हमारा मौजू नहीं है यानी इस पर अलहमदिल्ल अल, 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 मुझे शरह सदर है मैंने इस पर मज़मून भी लिखा है भले ही एक निज़ाम मामला है लेकिन हमारे नज़दीक राज्य यही है कि मिंबर पर असा रखना कोई कोई मतलब यानी यानी खिलाफ सुन्नत नहीं है आप आल सलातम नंबर पर खड़े होते हैं और आपके हाथ में हंसा होती और आपने हमेशा खड़े होकर यह खुतबा दिया है जब बात जुमा के खुद भी की आती है एक हदीस मुबारक है सही मुस्लिम की सही मुस्लिम किताबूसलातमसाफरीन जाबिर इब्नसमूरा हरुन वो कहते हैं कि क्या नबी सल्ह सख्तुबकाबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर ही खुतबा देते थे जुमा के खुतबे की बात है और जानते हैं आपने कितना सख्त उसलूब इख्तियार किया आपने जाबिर जाबिर इब्न इबनान रजी अल्लाह सत्तर हिजरी के बाद इंतकाल हुआ आपका कूफा में आपने कहा फमन अम्ब आका यह सही मुस्लिम की रिवायत है और सुन रहा बिदावत में क्या अल्फाज हैं फमन हदसा का यानी फमन अम्ब आकासन फ़कत खदम अगर तुम्हें कोई ये बता दे कि अल्लाह के रसूल बैठ के खुतबा दिए तो वो छोटा इंसान है वो और आपने अपनी शान और अपने बारे में बताने के लिए कि अल्लाह के रसूल की खुदबात को मैंने कितने करीब से देखा है और मुझे सोहबत जो अल्लाह ने अता की है कितनी गहरी है और कितना कितनी 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 मतलब अटूट हिस्सा है मेरा अल्लाह के रसूल से कहा कि लक़द वही लक़द वही तो महु अक्सर मिन अलफ सलातिन मैंने अल्लाह के रसूल के साथ दो हज़ार से ज्यादा नमाजें पढ़ी हैं मैंने ऐसे मुस्लिम की रिवायत है तो कहाँ अल्लाह के रसूल ने हमेशा खड़े हो कि खुदबा दिए صحيح أبو كريم في كتاب الجمعة، إحدى خديشاتي عبد الله بن أمير كتبتين رضي الله عنهما، كي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائمًا، ثم يقعد ثم يقوم. آب صلى الله عليه وسلم الجمعة كخطبة خدها خدها كرديتة، فرد دارميان مباعدته، فرد خدها هوجاتة. إسبر الإمام أبو كريم باب قائم كيا باب الخطبة تي قائمًا. يعني الجمعة كخطبة، في كتاب الجمعة باب قائم كيا. कि जुमा का खुतबा खड़े होकर ही देना चाहिए यह आज से मुताल दूसरी बात थी एक तीसरी बात आज की मौजूद से मुख्य वो ये है कि आप अलीसद्लाम जुमा के खुदबे को जब इर्शाद फरमाते तो आपका आप, आप आगाज कैसे करते क्या कहते थे आप अलीसत सबसे पहले अल्लाह की तारीफ करते खुदब तो पढ़ते इन अलहमद नाहमदीन वन अस्त फिर वन अदबिल्लाशरफुसिन इसको खुदबाजा कहते हैं इन शबन मैं मैं मेरे दिल की बात बता रहा हूँ तकरीबन दो तीन साल से ये बात आ रही है मेरे दिल में कि हाजा का मैं मुकम्मल तारुफ करवाऊँ अल्लाह मुझे तोफ़ी कता फ़रमाए तो खुदबतलहा पढ़ते फिर आप अम्मा बाद कहते अम्माबाद इसको इसका क्या माना मफहूमू है इसको भी कभी समझाऊँगा इन श्ला या लिखूँगा मैं बेदिल ताली मुख्तर से कोई तहरीर आप अलसमाम उसके बाद जुमा के ख़ुतबे से मुतल मुख्तलिफ बातें कहते हैं लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए हम तलबा के लिए ज़रूरी हैं कि अपने खुदबात में अपने दुरुस में नसूस का अहतमाम करें कसरत से कुरान पढ़ें कुरानी आयात पढ़ें सही मुस्लिम की एक हदीसी मुबारक हैं किताब सलाती इबन मुसाफरन में जाबिर अब्न समूर कहते हैं कि क्या ख़ुदबनबी वसम का कहा नबी अलैहि वसल्लम बतान अल्लाह के रसूल के दो खुतबे होते थे यजली सुबह दोनों के दरमियान बैठते खुतबा देते दरमियान में बैठते फिर खुतबा इरशाद फरमाते और कहा कि यकरा अल्लाह और कीजिए आप समरा रजी अल्लाह अल्लाह के रसूल के खुतबे से मुतालिक क्या तारुफ़ करवा रहे हैं कहा कि यकरा कुरान कुरान पढ़ा करते थे वो यु और लोगों को नसीहत करते थे आप गौर कीजिए कि कुरान का कितना हिस्सा आप पढ़ते थे हम, हम 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 अंदाजा लगा सकते हैं एक मिसाल मैं आपको देता हूँ समझने के लिए एक मिसाल मैं आपको देता हूं सही मुस्लिम की किताब सरात मुसाफरी में एक हदत मुबारक है मारूफ एक सहाबिया है उम हिशाम बिन तिहारिस बिन नजी रजील वह कहती हैं कि मा अफलन मजीद إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم جمعة إذا خطب الناس کہ سورة قاف قاف والقرآن المجيد سورة میں نے, میں نے کہاں سے إلا عن لسان رسول الله من رسول الله کی زبانی سورة کو میں اس سورة کو میں کہاں سے سیکھی اللہ کی رسول क्योंकि अल्लाह के रसूल का हमारा घर खर बहुत करीब था मस्जिद नबी तो से जुड़ी हुई थी आप पढ़ते वहीं से मैंने सुनी और मैंने पूरी सूरत आपसे सुन सुन के याद कर ली क्यों आप हमेशा पढ़ा करते थे काना नबी जुमी हर जुमा आप इसको पढ़ा करते थे इधा ख़तबन्नास जब आप लोगों से खिताब करते खुद बहुत जुम्मे का गौर कीजिए आप यानी सोफ़ पढ़ने के लिए कितना वक्त लगेगा एक सूरत मुकम्मल सुबहानल्लाजीम तो कहा ना उल कुरान आप जुमा में खुबा खुतबा में आप कुरान बहुत पढ़ते थे एक बड़ी अहम चीज़ है अल्लाह के रसूल जब खुतबा देते हैं तो जिन बातों को आप आप रखा करते थे लोगों के सामने हाफिज़ रहमतुल्लाह ने ज़ादुल माद में कुछ बातों का जिक्र किया है कहा कि कवादास्सलाम असूलम अरकान ईमान अरकान इस्लाम गैबी उमूर अल्लाह का तारफ़ जन्नत जहन्नम का बयान अल्लाह किस बात से राजी होते हैं अल्लाह किस बात को नापसंद करते हैं अहकाम मसाइल लोगों के हकूक़ ये बातें ऐसी नहीं हैं ये अल्लाह के रसूल के खुदबात हैं अहदीस में उनमें से इसको एक जा करके मैं आपको बता रहा हूँ खुद जुमा के मुतालिक अहकाम मसाइल भी आप बताया करते थे मुतद्द बातें अल्लाह के रसूल आल्लाम जुम्मे के खुदे में रखा करते थे और अल्लाह के तारु से मुतिक तो बहुत सारी बातें आप अली अलीसल्लाम तो जब जुमा का खुतबा देते हैं तो इतनी आसानी से देते इतनी आसानी से इतना वाज़ वाज़ उमुबी आयशा कहती हैं रजी अल्लाह एक हदीत मुबारक है, जो मुतफ़न अल है सही बुखारी में किताबालमनाकब और सही मुस्लिम में किताब वर्रका उम्रमबीन आयशा कहती हैं रजील्न के अन नबी वदीसन

कि आप अली अलीसलम का तर्ज़ क्या होता था खुतबा देने का अंदाज़ क्या होता था आपके देने का हमें उसको अपनाना चाहिए फलां और फलां को दे करके नहीं क्योंकि आप कामिल इंसान हैं आप और आपकी तरबियत अल्लाह ने की है अल्लाह की निगरानी में हुई और आपने हर मामला वही की रोशनी में इख्तियार किया है ऐसे में आपका मामला सबसे, सालिम, सबसे, सबसे आप सालम सबसे दुरुस्त सबसे आमदा आप खुतबा कैसे देते थे एक हदीस से सही मुस्लिम की किताब सरा मुसाफरन में जाबिर इब्न इम्न अब्दिल्ल हजीनुमा कहते हैं कि कान नबी अलैहि यखतुबु जब अल्लाह के रसूल सल्लम खुतबा देते अल्फाज दूसरे हैं कि आप अलीसम जब खुतबा देते थे जब आप खुतबा इरशाद फरमाते कान नबी वसलम यख ये अल्फाज नहीं है जब अल्लाह के रसूल खुदबा इरशाद फरमाते कहा कि अहमरत आयना आपकी आंखें सुरख हो जाती आवाज बुलंद हो जाती वश्तद आपका गुस्सा ज्यादा हो जाता हती अन्न हुई एक फौज है फौज को कैसे आगा करते हैं फौज को कैसे आगा करते हैं जिस दौर में मैं और आप जी रहे हैं। छावनी में जो फौजी छावनी होती है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं किसी फौजी कैंप में जाने की जरूरत नहीं आप यूट्यूब पे ज़रिए से देख ले सकते हैं एक कमांडर एक जर्नैल फौजियों को कैसे आगा करता है कैसे उभारता है कैसे उन्हें मुतनवा करता है कि दुश्मन कहाँ है कैसे है क्या कुछ है हमारा दुश्मन शैतान है हमें हमेशा के लिए जहन्नम में जाना पड़ सकता है नसरुल्लाह सलामा अपने कुछ गलतियों की वजह से या एक वक्त के लिए जाने में जाना पड़ सकता है न सराम अल्लाह के गुस्से के हम शिकार हो सकते हैं कैसे आगा करना चाहिए एक फौज को उस तरह से अल्लाह के आगा क्या करते थे सल्ला और निहायत वक़ार के साथ ऐसे नहीं कि बिल्कुल भद्दापन हो नहीं सुबह अल्लाह एक एक, एक, एक सुलझा हुआ इंसान एक बावकार इंसान अपने गुस्से का इजहार कैसे करता है ये मामला और दोनों हाथ हिला दे रहे हैं इधर से उधर हिल जा रहे हैं यह मामला नहीं था अल्लाह के रसूल का जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रजी अल्लाह रजीम कहते हैं अल्लाह के रसूल ने कहा बुइस्तु मैं और कयामत दोनों ऐसे करीब करीब कहा कि बैन यह कुरूनू बतु असबाब अल्लाह के रसूल ने असबाबा और अलवस्ता इन दो उंगलियों को आपने इशारा करके बताया बहसत खतीब इस बात की इस बात की इस बात की दलील है अल्लाह के रसूल ने इशारे करते हुए खुतबा दिया आपने अलीसम अल्लाह के रसूल आल हज़त दोनों हाथ एक साथ नहीं हिलाते थे अब उंगली से इशारा करते थे अल्लाह के रसूल आलि इजतम एक हदीस मुबारक है सही सही आ, मुस्लिम की सही मुस्लिम की हदीस मुबारक किताबात मुसाफरीन की एक सहाबीम बिन रोआबा रजी अल्ला उन्होंने बिश्र बिन मरवान को खुतबा देते हुए देखा कि दोनों हाथ उठाए हुए हैं कहा कि कबह अल्लाहू हातैनिल यदैन इन दोनों हाथों का बुरा हो कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे खुतबा देते हुए देखा कहा कि मा यजीदु अययकुल इल्ला बियदीही हाكذا आप अली अलीसद बस अपने हाथ से ऐसे इशारा करती थी फआशारा बिइसबईही المصبحه अलमुसा इस इस उंगली से आप इशारा करते थे ऐसे और ऐसे इस इसको हम अपनाना चाहिए अगर हमारे अंदर ये नहीं है अगर हमारे मिजाज में नहीं है या हम इसमें ढले नहीं हैं तो ढलना चाहिए जैसे हम किसी खतीब को देखते हैं किसी की आवाज़ किसी का अंदाज़ किसी का रखना काम अल्लाह के रसूल का हमारे सामने मौजूद है बहसत तालबल बहसत खतीब हम इसको अपनाने की कोशिश करें ये अल्लाह के रसूल का मा मामला था आलोसम एक पाँचवीं बात मेरे दर से मुतल वो ये कि अल्लाह के रसूल आलतम का जो जुमा का ख़ुतबा होता था उसकी मियाद कितनी होती थी कितना वक्त लेते थे अल्लाह के रसूल खुतबे के लिए जाहिर बात है अल्लाह के रसूल का खुतबा कोई रस्म कोई रूटीन ऐसा तो नहीं था ना जैसे हमारी मस्जिदों में लिखा हुआ रहता है कि यहाँ से यहाँ तक है मैं कहीं आईब के तौर पर नहीं बता रहा हूँ लेकिन हर मस्जिद में है ही खुतबा इस वक्त शुरू होगा एक बजे से डेढ़ बजे तक सवा एक से पौने दो तक लगभग कभी कभार जगहों पर डेढ़ एक एक घंटे का खतबा चलता है सुहा अल्लाह पता नहीं ख़तीब में भी सबर होगा कि सामीन में भी सबर होगा पता नहीं सुहा अल्लाह तो अल्लाह के रसूल का जो खुतबा होता था आम तौर तो पर मतदी दरमिया लेकिन आम तौर तो पर जो खुतबा होता था दरमिया और उसमें भी मुख्तर होता था कभी कभार ज़रूरत के बखद्र कभी तवालत भी उसमें तूल भी इख्तियार कर जाता था कभी खुतबा तवील भी हो जाता लेकिन आम तौर तो पर मतदिल और और नहाय इख्तार के साथ मुख्तसर दिया करते थे आप गौर कीजिए अल्लाह के रसूल ने कहा हमसे अलीस्त तो सही मुस्लिम के हदीसी किताब सलातमसाफरीन की अम्माब्न यास रजील्नुमाम कहते हैं कि आप सल्ह ने फरमाया तो सलात रजुल वकीसारुदब ही मैं इन्न तुम फिक एक आदमी का नमाज लम्बी करना और खुतबे को मुख्तसर करना ये उसके फ़िक्र की दलील है ये उसकी समझ बूझ की दलील है कि वो कम वक्त में कितनी बड़ी बड़ी और कितनी उम्दा और कितनी गहरी बातें कर जा रहा है आप अल ही सलासलाम ने फरमाए कि फ़ाति लूँ अक्सरबा नमाज़ को लंबी करो और ख़ुतबे को मुख्तर करो ये जो हदीस मुबारका है इस हदीस मुबारका की रोशनी में अल्लाह के रसूल का ख़ुतबा कैसा होना चाहिए कैसा हुआ करता था इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अल्लाह के रसूल का खुतबा मुख्तसर ही हुआ करता था और एक बात यहाँ पर मैं जोड़ करके ना बताऊँ तो समझने में आपको दुश्वारी हो जाएगी अल्लाह के रसूल की जो बातें हुआ करती थीं वो जवााम अलकलीम आपका खुतबा जो मुख्तसर हुआ करता था उसमें एक बात ये भी पेश नज़र रखना चाहिए कि आपकी बातें होती कहीं से आपको अलकलीम दी गई मारूफ हदीस मुबारका है मुतफ़न सही बुख़ारी में किताब अतसमाम बिलकताबी वसूनना में और मतदद मकाम पर हैं सही मुसलम में किताबलमसाजिद मवादला अबू ने कहते हैं कि अल्लाह के रसुल ने कहा आलत बुज़त बिजवाम जवाबलीम के ज़रिए से मुझे भेजा गया जो किसी और को नहीं दिया गया क्या मतलब है जवाबालकलीम का इस हदीस को इमाम बुखारी ने सही बुखारी में कई जगह पर लाए हैं मैंने जो पढ़ करके सुनाया हूँ आपको वह किताब अहतसाम बिलकताबी व सुनना का सुनना से क्यों इसलिए कि उस पर इमाम बुखारी ने बाब ही यही कायम किया है बाबू कौली नबी सल्ला वसलम बुरसत भी जवााम इसलिए मैंने वहाँ से हदीस आपको सुनाया है लेकिन इस हदीस को किताब तहबीर में भी लेकर आए इमाम बुखारी ने रहमतुल्लाह वहाँ इस हदीस को नकल करने के बाद इमाम बुखारी ने लिखा कि जवाबालकलीम का माना क्या है कि कहा कि इन अल्लाह यजमा अल्लाह सुबहान वाली बहुत सारी चीज़ें जमा कर देते हैं कहाँ से मिनलकुतुब अल्ला तुतब फिलकुतुब फिल कुतुब फिल फिलकुतुब क़बला कुरान मजिद से पहले की जो किताबें हैं उन किताबों की सारी बातें फिल अमर वाह अबिल्म्रीन अल्लाह सुबहानी पिछली सारी आसमानी किताबों की सारी बातों को एक जुमले में या दो जुमले में अल्लाह रबालमीन बयान करके अल्लाह के रसम और वही के तौर पर नाजिल करते हैं वो है जवााम अल्लाह के रसूल को जब, जब जवाब में क़लीम दिया गया आपके आपकी कलिमात ऐसे हैं तो यकीन ख़ुतबा भी आपका मुख्तर होगा ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक एक खुतबा में बतौर मिसाल आपके सामने रखता हूँ एक खुतबा सुनना बिदाऊद में एक हदीस मुबारक है जिस हदीस के रावी जो सहाबी हैं वो साहब वाक भी हैं अलकम इब्न अलकुलफ़ी रसी ये जो सहाबी हैं इनसे एक ही हदीस साबित है बस इमाम मुस्लिम ने अलहदान में जिक्र किया इनको कि एक ही हदीस है इनसे दूसरी कोई हदीस नहीं ये तकरीबन फतेह मक्का के बाद अल्लाह के रसूल के पास आए थे बनो आमिर एक वफद आया था एक वफद एक जमात उसमें सात या नौ लोग थे ये खुद कहते हैं अनस्सा बल्स आतों सात लोगों में से एक एक फ़र्द था मैं ये अल्लाह के रसूल के पास आए और अल्लाह के रसूल से आकर के कहा कि या रसोल्ला हजुर नाक अल्लाह के रसूल हम आपकी जियारत के लिए आए हैं एक आपको देखें आपकी सोबत में रहें फ़तः ना भी खैर आप हमारे लिए खैर की दुआ कीजिए अल्लाह के की रसूल ने साहबा से कहा कि भाई इनके लिए कुछ दे दो यानी खजूर वगैरह और कहा कि व शानजा का दूँ जिस वक्त सहाबी ने ये बातें लोगों को बताई कहा कि वह शानजा का दूँ आज जो रेल पेल है माल की जो सज थज है जो आज खुशहाली है वो वो ज़माना नहीं था वो ज़माना बड़ा अजीब था ऐसे कहा उन्होंने व शानजा का दून बहरहाल हमने अल्लाह के रसूल के साथ कुछ दिन बिताए कुछ दिन बिताए हमने शहदना फ़ीहा जुमा माँ नबी वसल्लम उसी में जुमा का दिन भी आया हमने अल्लाह के रसूल के साथ जुमा भी अदा की जब जुमा का वक्त आया तो कहा कि अल्लाह के रसूल वसल्लम आए जुमा के लिए मुतकी असा आप अपने असा पर टेक लगाते हुए आए और मस्जिद में आने के बाद कहा कि फहमिद्ला व असना आलई अल्लाह की के हमदना बयान की कहा कि कैसे बयान की फहमिद अल्लाह व असना आलही कहा सुबहानल्ला कितनी बड़ी taybatin, की की। बात है कहा कलीम खफीफातिन तयबातिन मुबारकिन हल्के फुलके जुमलों में अल्लाह की तारीफ़ की जवाबलीम उसके बाद लोगों से जो खिताब किया बस एक बात कही जुम्मे के ख़ुबे का अंदाज़ा लगा कितना मुख्तर था और कितनी जामयियत इसमें कहा कि अयोन्नास अय्योन्नास لن तो कुल्ल كل उमिर तुम भी अल्लाह ताला ने तुम्हें जिस चीज़ का भी हुक्म दिया है तुम उसको निभा पाओ उस पर जिंदगी पर अमल कर सको ये तुम्हारे हाथ से होने वाली बात नहीं लिहाजा लिहाजा वाला लाकिन सद दीदू अब शुरू लोगों के साथ अच्छा मामला करें ठीक ठाक मामला करें हल्का फुल्का जो आप कर सकते हैं लोगों को छोटी मोटी बातें तो जहनम में तेरे लिए ऐसा तेरे लिए ऐसा और ख़वा मखा का मायूस हो जाना ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोगों में खुशहाली फैलाएं और कहें कि नहीं नहीं अल्लाह माफ़ कर देंगे नहीं तबा कर लीजिए अल्लाह माफ़ कर देंगे नहीं इन श्ला तला इसका मवजा नहीं करेंगे या लोगों के साथ अच्छा मामला करें ये इसमें लेकिन ये जो जुमला है छोटा जुमला नहीं है ये पूरी शरीत को जामे हैं पूरी शरीत को जामे ये तो ऐसी सूरत में हम बहसत खतीब यकीन तूल ना दें पौना घंटा भी बहुत लंबा हो गया आधा घंटा या उससे भी कम अजान होती है और आखिर में जो खतीब हमारे पास आमतौर पर जो अरबी ज़ुबान में खुतबा देते हैं उन सबको मिला करके बीस मिनट का खुतबा होना चाहिए शुरू में अज़ान जो होती है मोजिम की तरफ से वो वक्त को निकाल दें आखिर में जो आर्मी में ख़ुतबा देते हैं वो भी एक दो मिनट का होता है दो मिनट की अजान होती है कुल मिलाकर के पाँच मिनट निकाल दें पच्चीस से बीस मिनट से पच्चीस मिनट के अंदर का खुतबा होना चाहिए बीस से पच्चीस मिनट इससे ज़्यादा मंबर पर ना रहें इलाके कि कोई बहुत बड़ी ज़रूरत हो इसलिए कि हमें कुरान की आयत पढ़नी पड़ती है हदीस पढ़ना रहता है उसको समझाना पड़ता है उसकी सियात जोफ भी कभी बतानी होती है उसमें असल पैगाम फिर शायद हम ना दे पाएँ और लोग हमारे पास जुमा के अलावा कभी मिलते नहीं हैं आम तौर पर जिन्हें हम अपनी बात रख सकें बहुत मुख्तसर 20 से 25 मिनट लेकिन पौना घंटा एक घंटा तो सुबह लाइए तो बहुत 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 ज़्यादा हो गया है तो मेरे आज के इस मौजू से मतलब आखिरी बात वो ये है जो बात मैंने आपके सामने रखी है ये तो वक्त से मुतलिक है अल्लाह के रसूल आलम एक एक ज़ाहिर बातें आम तौर पर जुमा का जो खतीब होता है मस्जिद के जो इमाम होते हैं उनी उनी भले ही वो सैलरी लेते हो लेकिन तबीयत में उठान होनी चाहिए जहन वसी होना चाहिए बंद बंद नहीं रहना चाहिए मीनिंग कहना चाह कि हम जिम्मेदारान से उलझें लड़ें निकलें खुरूज करें बगावत करें मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं ये कहना चाह रहा हूं कि हम अब जहनी तौर तो पर मुतमिन रहें दो मिनट आगे दो मिनट पीछे कभी कुछ खास मामला हो जाए नागहानी सूरत इमरजेंसी सूरत में हम कुछ कुछ बड़ा कदम उठाना चाहें हम करें इस बात को बिल्कुल तोल तोल के बिल्कुल लिखाई पढ़ाई के साथ ज़िंदगी ना गुजारें जो आखिरी बात बताने चाह रहा हूं आप देखो अल्लाह के रसूल आलम हालात के मुताबिक आप, आप दरमियान भी कभी कोई मामला भी इख्तियार फरमाते मसला मुतफ़ा आल हदी से किताब उजमा सही बुखारी में किताब किताबुल उजुमा सही मुस्लिम में ए, किताब उसरात मसाफरिन सही मुस्लिम में जाबिर इब्न आब्दिल्ला रजील्नुमामा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल आलत जुमा का ख़ुबा दे रहे थे अभी आप अब अभी दे रहे थे अभी आप बैठे हुए थे मेबर पर एक साहब मस्जिद में आए सलेक अलगफ़ानी रजी लन आए और बैठ गए अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा रका रका इन, दो रकातें पढ़ लिया आपने कहा कि नहीं कहा कि कुम फरका उठो और दोनों रकातें पढ़ो आपने कैसे कहा ख़ुत के दौरान आपने यकीन बात सिर्फ नमाज की नहीं है किसी भी मसले से मुत्ल कोई बात हमें कहना हो हम कहीं दरमियान में भी कोई बात कहना हो किसी से खिताब करना किसी से खास बात करना हो अचानक कोई मामला आ चुका हो मंबर से उतर करके फिर चढ़ना हो किसी मामले से मुतल अचानक हम देखते हैं बाहर कुछ मामला हो गया है हम लोगों से उससे मुत्ल अपील कर रहे हैं एक एक एक, एक, एक कायद कायद बनना चाहिए बंद बन, बंधे हुए नहीं रहना चाहिए आप जमा का खुतबा दे रहे थे सही बुखारी की किताबुल इसका और सही मुस्लिम में भी किताबुल इसका है अनस बिन मालिक कहते हैं रजूल आप जुमा का खुतबा दे रहे थे अचानक एक आदमी आए और आकर के कहा कि के रसूल हैल कतिल अमवाल हल कतिल अल्लाह के रसूल हमारा माल हिला हो गया हमारी खेतियाँ बर्बाद हो गई जानवर हमारे कैद साली वगैरह वगैरह दुआ कीजिए हमारे लिए अल्लाह के रसूल ने वहीं पर अपने दोनों हाथ उठाए और कहा अल्ला अगीसनाल्ला अगिसना अल्लाह उमा अगीसना अल्ला आपने एमरजेंसी सूरत में कैसे मामला किया ये कायद कायदाना के किरदार की बुनियाद पर ये चीज़ें आती हैं बहर अल्लाह के रसूल के खुतबे से मुतालिक मैं कुछ बातें आपके सामने रखा हूँ कुल नहीं कुल कु, कु, कुछ बातें अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमी हर बाब में और खिताबत के बाब में भी अल्लाह के रसूल को नमूना बनाने की अल्लाह में सादत दे ये सिर्फ़ जुमा के खुतबा से मुतलिक बातें थीं अल्लाह ताली हमारी इस नशस्त को हमारे इस वालदान हमारे कुल माविन मुशाहिदीन हमारे अहल खाना हम सब के लिए अल्लाह ताला ताल आखरत बनाएं और खसूसियत के साथ शेख सफिया हाफिज़ अब्दुल मतीन, शेख हमदान और शेख फजल और दीगर अखान को जिन्होंने भी इस मामले में हमारा ताउन किया साथ दिया आसानी की अल्लाह सब को अजर जजील दे सुबहानल्लामद अशतल अन्द अस्ताफ़रिका तो भी लेख